क्योंकि आज मेरी बहन भी आने वाली है और मेरा भाई को भी मैंने बुलाया है आज का लंच के लिए। तो देखती हूँ मेरा भाई को लंच में आ पाएगा या नहीं। देखिए अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई है, अब थोड़ा सा क्रिस्पी बना लिया है मैंने साइड साइड में। कान के लिए अचार बना रही हूँ। नमी टेस्टी बहनी बोल रही है ये चटनी बहुत टेस्टी है। हाई गाइज, फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल सिक्की मम्स ब्लगमा स्वागत जनाउँदछु। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै अनि सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै अनि सुबिस्तै छु। तो फिर से आप सबैको मेरो युट्युब च्यानल सिक्की मम्स ब्लगमै स्वागत गर्दी हुँ। अभी तो मैं दुकान जाके भी आ गई हूँ, दुकान बन्द करके आ गई हूँ। अभी लंच बनाने के लिए घर आई हूँ। तो आज ना मैं कल जो मैंने पर्क मीट खरीदी थी वो का पर्क मीट का सब्जी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरी बहन भी आने वाली है और मेरा भाई को भी मैंने बुलाया है आज का लंच के लिए। तो देखती हूँ मेरा भाई तो लंच में आ पाएगा या नहीं, पता नहीं। बहन आ रही है तो इसीलिए आज मैं पर्क बनाऊँगी, क्योंकि बहन का घर में पर्क नहीं खाती है तो इसीलिए घर से बाहर तो खाती है, इसीलिए मैं आज मेरा बहन का भी फेवरेट है पर्क, तो आज मैं पर्क बनाने वाली हूँ। पर्क मीट और पर्क का कान भी लेकर आई थी, वो बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों को मैं आज का ये छोटा सा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो देखिए पर्क यही है, ये मैंने कल लाई थी। तो ये कान साफ करूँगी, अभी कान काट के सफा करूँगी। पर्क मीट देखिए यही मैंने लाकर रख दिया था, अब इसी को मैं पकाऊंगी। कल मैंने नहीं पकाया था क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा बफ मीट भी लाया था, वो बफ मीट पका के खा गई, तो इसीलिए पर्क ऐसा ही रख दिया है। अब इसको मैं पकाऊंगी। पर्क को इस तरह से बना रही हूँ। इधर भी है, यहाँ पर भी थोड़ा रखा है। थोड़ा सा इसे जलाऊंगी, जला के बनाऊंगी। देखिए अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई है, अब थोड़ा सा क्रिस्पी बना लिया है मैंने साइड साइड में। और यहाँ प्याज भी कट के रखा है, अब मैं पकाऊंगी कुकर में। तेल भी डाल दिया है कुकर में। इसमें मैंने स्टार मसाला, दालचीनी और लौंग, इलायची भी डाल दिया है। देखिए अभी मैंने पीस पीस काट लिया है, अब इसको मैं डालूंगी। मसाला भी भून लिया है। अभी देखिए मैंने दो टमाटर भी काट के डाल दिया है, अब इसको भून रही हूँ। अब कुकर में सीटी लगाऊंगी। कान के लिए अचार बना रही हूँ। पिक ईयर के लिए ये अचार बना रही हूँ। देखिए मीट भी रेडी हो गई है। अब इसके साथ मैं और मेरी बहन खाना खाएंगे। इसके ऊपर में मैं धनिया पत्ता भी डालूंगी। कान भी पक गया है, इसी इधर भी फ्राई कर रही हूँ। इधर धनिया पत्ता भी डाल दिया है। देखिए मेरी बहन भी आ गई। हाय रिमित, वेलकम। वॉशरूम जाके आ रही है अभी, कब से आ गई है। कैसे लगा घर? आज पहली बार आई हो, कसो लाग्यो? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उज्यालो लाग्यो? म त अस्ति आएको जस्तो लागिरहेछ। हैन है, उज्यालो लाग्यो? सुदामी भइसक्यो हो। वाह, मेरा बहनको भी पसन्द आयो। देखिए प्रत्यक्ष देखेको थिएन मेरा बहनले भी, त्यो सिर्फ भिडियोमै देखा था। आज देखा, अच्छा लगा, मतलब सुन्दर देखा, पहिले जैसा नहीं है ना। दामी भएको छ है।
ठुलो देखे कलरले यति साह्रो फरक पर्दो रहेछ घर यसको पनि तर बोर्डर गरेको छु त त्यहाँ त व्हाइटको पनि मैले मुनिपट्टि बोर्डर गरेको छु अँ हौ त्यहाँ त्यसको अलिक वेट आओस् भनेर नि जुस खाने जुस ए म डिटक्स गर्नु गएछ सम्झेँ नि म त अब हाम्रो त बिहानी सुरु गरेर हेँ यतिकै पनि खाएन त यो नलगाइकन यो भिरै छ के पर्क हे पर्क कहाँ लगाइदिउँ थाल्नु लगाइदिउँ कि बटुको मैले कसमा एउटा लगाइदिन्छु कि त्यहाँदेखि अहिले फेरि खाउँ नि ल त जस्तो पर्क डाल रही हुँ एउटा मात्रै हाल्दैन बाह्र बेसी त हाल्दैन मैले जलाइकन पकाएको नि आज देखेँ बाबा बाबा दामी टेस्टी कान मिठो पर पर भुटेको छु नि त सुँगुर मासु पनि मजाले भुटेको छु अब सुँगुर मासु चाहिँ प्रेम आउँदैन भने चाहिँ अब प्रेमलाई चाहिँ तिमीलाई पोको पारेर पठाइदिनु है तादुङसँग लगिदियो है हिजो आएन नि त अन्त अल्छी लाग्यो अरे नि त हिजो त मैले पनि पकाइनँ अचार हेर्नु अचार मिठो भयो ल खानु नि तपाईँ ल ल म खान्छु टेस्टी पुरै मिठो भयो अचार कस्तो भएछ दामी अचार राम्रो छ है राम्रो भएछ पाकेन पाके पाक्नु त ए सिजी पुरा लगाएको नि मैले ल त अब म पनि खान्छु एउटा पर्क खान्छु त्यहाँदेखि चाहिँ भात खान्छु खसुस्तो बेसी खानु हुँदैन है हो नि जस्तो अब मेबी खाउँ कि फर्स्टमै ये कान बाइट गरेँ सिसी पो आयो चाम्रो भएछ त्यो मात्रै चाम्रो अरू त राम्रै छ भाइ यस्तो मिठो भएको छ त अचार त अचार बहिनी बोल रहे ये चटनी बहुत टेस्टी टेस्टी मिनाले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नि रामेन ल्याएपछि चाहिँ ए रामेन अरे केएफसी ल्याएपछि यस्तो अचार बना अचार बनाउनु लाउँछ कि मलाई अन्त केएफसीको अचार चाहिँ चलाउँदैन पनि यही अचारसँग केएफसी खान्छ नि मिठो हुन्छ नि भेन ल्याउनेवाला केएफसी मैले 3 महिना भयो नखाएको 3 महिना त होइन अलिक बेसी भयो जब मैले डाइटेट गर्नु थालेँ नि नआएको आज यो कानको लागि बनाएको नि त मैले अन्त कानको लागि यसरी बनाउँछु होइन मिठो हुन्छ नि चोपेर खानु अन्त केप्सीमा पनि यस्तो मिठो हुन्छ नि चोकिताङ बनाउँदा यतै माथि निस्किन्छ है बस्छ नि भाइ चोकिताङबाट नि राङ्का स्ट्यान्डको ट्याक्सीमा छ भने चाहिँ स्ट्यान्डको बस स्ट्यान्डको यतापट्टि रोक्नुहुन्छ भएछ नि त्यसो हुन्छ उता जाँदाखेरि कहाँबाट पाउँछ माथि नि हाम्रो माथि पुग्नु है दोस्तोदेखि खाके आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों हम लोग खा लिया है मेरा बहन को भी बहुत अच्छा लगा ऐसा बोल रही है और टेस्टी टेस्टी हुआ है बोल रही है और सबसे बड़ी बात अचार के साथ ही अच्छा लगा ऐसा बोल रही है अचार ही टेस्टी हुआ सिर्फ अचार के साथ ही राइस खाना अच्छा लगा बोल रही है देखिए अचार कैसा लगा आप लोगों को मैंने भी खा लिया है अच्छा लगा अब मैं डिटॉक्स सेंटर जाने वाली हूँ तो थोड़ी देर के बाद मैं तैयार होकर डिटॉक्स सेंटर जाऊँगी तो आज का ये वीडियो मैं यहीं रखना चाहती हूँ मिलते हैं अगले ब्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय